उर्दू किताब नहीं है, कुछ ग्रामर बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग अपने अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इन लफ्जों की जिद बनाए। ये लफ्ज आया है जैसे एक नंबर आगार, क्या है आगार, तो इसका उल्टा होगा हंगाम। दूसरा नंबर है फिना, क्या होगा फना, फना का उल्टा क्या होगा बका, क्या होगा बका। तीसरा नंबर है हुस्न, क्या होगा कभी, उसी का उल्टा होगा कभी, उसमें होता है खूबसूरती। चौथा नंबर है खुश्क, खुश्क का मतलब होता है सूखा, तर, खुश्क का उल्टा होगा तर। उसके बाद पांचवा में है आबाद, आबाद होगा वीरान, जिसमें कुछ नहीं हो वीरान। छठा नंबर है शुरू, शुरू का हो रहा खत्म, क्या होगा खत्म। सातवां नंबर है इंसान, इसका उल्टा क्या होगा हैवान, क्या होगा हैवान। क्वेश्चन नंबर एट बुलंद, बुलंद का उल्टा होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन हद, हद का उल्टा होगा बातिल, क्या होगा बातिल। उसके बाद तीन नंबर है तुलू, यानी सूरज का उठना, सनराइज। तुलू का उल्टा होगा, तुलू का होगा गुरु, क्या होगा गुरु। यह हो गया जी। इसके बाद हम आप लोगों को लिखाएंगे वाई से जमा, वाई से जमा लिखाएंगे। तो आप लोग लिखिए वाई से जमा क्या होता है, लिखिए वाई से जमा। आइए एक नंबर नूर, नूर का जमा होता है अनवार, क्या होगा अनवार। दूसरा है हक, हक का जमा होगा फकूर। उसके बाद तीसरा नंबर है वक्त का जमा होगा अवकार, क्या होगा अवकार। उसके बाद आइए चौथा नंबर हाल का जमा होगा अवाल, हाल का जमा अवाल होगा। उसके बाद पांचवा होगा
बाप का नाम होगा अबुआब, क्या होगा अबुआब। छठा नंबर शैतान का नाम होगा शयातीन, क्या होगा शैतान का नाम होगा शयातीन। उसके बाद सातवां नंबर में हक का जमा होगा हुकूक, हो ही गया। आलिम का जमा होगा उलमा, क्या होगा आलिम का जमा होगा उलमा। उसके बाद हम इदारे दार हैं, हम ऊपर लिख रहे हैं इसको इदारे दार हैं। आठवां नंबर मुल्क है, मुल्क का जमा होगा ममालिक, क्या होगा ममालिक। उसके बाद नौ नंबर है किताब, किताब का जमा होगा दस नंबर है दलील, दलील का जमा होगा दलाइल। तो यह आज का यहीं तक खत्म करते हैं हम अपना लेक्चर को। फिर मेरे पास किताब की कमी है, किताब किस दिन आ जाएगा, बुक का भी पढ़ाएंगे और वो इतना बता लीजिए, ठीक है। जी मेरा आपका लेक्चर यहीं तक रहा, फिर कल मिलेंगे, ठीक। ये बिठा लिए, उसके बाद हवाई उर्दू कब आए, कब आए वह इल्म है जिसके पढ़ने से हमें सही बोलना और लिखना आ जाए। इसे कवायद कहते हैं। अब आइए लफ्ज, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सेंटेंस। लफ्ज को क्या कहते हैं,
सेंटेंस, समझे? तो जो आवाज हमारे मुंह से निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, लफ्ज के अक्षर, लफ्ज के अक्षर। लफ्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, मौजू, दूसरा हो गया महमी। तो लफ्ज कितने अक्षर हो गए? दो, मौजू और महमी। अब आइए मौजू से करते हैं। मान्यता लफ्ज को मौजू कहते हैं, जैसे दाल, चावल, घी और नमी। बेमाना दाल जिसका कोई माना न निकले, जिसका कोई माना ना निकले उसको क्या कहते हैं? मम्मी कहते हैं। जैसे जैसे बात है कहीं माना था वाह, इसका कोई माने नहीं। अब दाल है इसका क्या बेमाना वाल, और घी का बीज दिए हैं इसका कोई माने नहीं कर, इसे क्या कहते हैं? मानी करते हैं। तो लक्ष्य कितने एग्जाम हुए? दो एग्जाम, मौजू और महमिल। लफ्ज किसे कहते हैं? जो आवाज हमारे मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। ठीक है, लफ्ज के दो अक्षर हो गए मौजू और ममी। मानादार लफ्ज को मौजू कहते हैं और बेमानादार लफ्ज को ममी कहते हैं। तो जैसे मौजू हो गया दाल, चावल, घी और ममी ने हो गया बेमानादार लफ्ज को ममी कहते हैं। जैसे वाल हो गया, वाल हो गया, बी हो गया। अब आइए, ये हो गया इशू। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं इसको? नाउन कहते हैं जिससे किसी शख्स, जगह या चीज का
नाम मालूम हो वो उसे इशिन कहते हैं। अब आइए सच में आ गया, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सच में आ गया राम और जगह में हो गया पटना और चीज में हो गया कलम। तो ये सारा क्या है? नाउन है। अब आइए तुम्हें हम बताने जा रहे हैं फिर के बारे में। क्या फिर? तो इंग्लिश में उसको कहते हैं वर्ब, फिर जो इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो उसे फेल करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे रोना, खेलना, पढ़ना, यानी कोई काम होना चाहिए, दौड़ना। तो ये सारा क्या हो गया? फेल हो गया। समझे? आइए फिर से इसम, इससे किसी शख्स जगह या जीव का नाम मालूम हो उसे इसम कहते हैं। इसमें आ गया राम, राम क्या हो गया? सच हो गया। और जगह क्या हो गया? पटना हो गया। और जीव का नाम हो गया आपका कल। अब आइए फिर जिसे किसी काम के करने या होने का इल्म हो, तो हम लोग इसको फिर को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब और हिंदी में कहते हैं क्रिया। जिसे किसी काम के करने या होने का इल्म हो उसे कहते हैं फिर। तो कोई भी काम होना, मतलब जैसे रोना ये भी एक काम है, खेलना ये भी एक काम है, पढ़ना ये भी एक काम है, दौड़ना ये भी एक काम है। तो ये सारा काम गया फेल हो गया। आज तक आज में आए आज का लेसन यहीं तक खत्म हो रहा है। तो कल से हमें अगर किताब मिल जाएगी तो मैं किताब पढ़ाऊंगा। ठीक है? कैसे दिखाएंगे?